कांकेर शहर से सटे ग्राम सिंगारभाट में भोजन की तलाश में भालू एक घर में जा घुसा और घर में सो रहे ग्रामीणों पर हमला कर दिया। घायल ग्रामीण को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। राइजमिल पारा सिंगारभाट निवासी प्रेमलाल नेताम शुक्रवार रात भोजन के बाद अपने घर में सो रहे थे। इसी दौरान रात लगभग 2 बजे एक भालू गाँव में पहुंचा और प्रेमलाल के घर के दरवाजे को बार बार धक्का देने लगा, जिससे दरवाजा खुल गया और भालू घर के अंदर जा घुसा। भालू रसोई में जा पहुंचा और तेल व भोजन की तलाश करने लगा, जिससे सामान गिरने की आवाज सुनकर बगल के कमरे में सो रहा प्रेमलाल की नींद खुल गई, जिसके बाद प्रेमलाल रसोई की ओर गया। भालू को देखकर प्रेमलाल ने भागने की कोशिश की, लेकिन भालू ने प्रेमलाल पर हमला कर दिया। प्रेमलाल बचाव में चिल्लाने लगा, जिससे परिवार के अन्य सदस्यों व पड़ोसियों की भी नींद खुल गई। इसी बीच भालू वहां से भाग निकला, जिसके बाद प्रेमलाल को उपचार के लिए शासकीय कोमल देव जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।